हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार की शाम को हुए उपद्रव मामले में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहीं पुलिस ने अब तक 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें से 5 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। इसी दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर एसएसपी ने कहा कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने हालात को देखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र के अलावा अन्य जगह पर कर्फ्यू पर ढील दी है और आवश्यक सेवाएं बहाल की गई हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी और नैनीताल जनपद की और ग्रामीण पुलिस की उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स जो है डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा जो निगम स्थल है, वहाँ से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकले थे, आरंभ पत्ता वहाँ था। लेकिन ये जो सैनिक घटनाक्रम हुआ है थाने का घेराव और वहाँ पर जो हुआ है आर्जन हुई है, इसके लिए जो उपद्रव तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूँकि भारी संख्या में उपद्रव थे, पुलिस का काफ़ी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पता हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा, तो इस दौरान ये घटना हुई। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहर है उसको कब्जे में लिया और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बनभूलपुर अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनभूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया स्थिति।